पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, एसीसी सचिव विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे, पंकज शर्मा समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। दरअसल जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना कार्यक्रम खत्म करके घर जा रहे थे तो उन्हें रोक कर उनके काफिले पर लाठियों से हमला किया गया। यहां तक कि उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है और यहां तक हद तो यहां तक हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री जब अपने कार्यक्रम को समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहे थे तो उनके काफिले को रोका गया रास्ते में और उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर लाठी डंडे से वार किया गया। और जिस पूर्व मुख्यमंत्री को खुद सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा दी है उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की गई।